हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे हवरली अरेना लिखा हुआ है। सो लिचेस पे मैं जो है टूर्नामेंट जो होती है 2 घंटे की, वो मैं अभी खेलने जा रहा हूँ एंड साथ साथ अपनी कॉमेंट्रीज भी देता जाऊँगा। सो काफ़ी दिनों से एक फरमाइश आ रही है कि सर आप वो वीडियो क्यों नहीं बनाते जिसमें आप खुद की कॉमेंट्री देते हो। सो दिस वाई दिस इज़ द वीडियो। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हमको काफ़ी गेम खेलने को मिलेगी 10 मिनट्स की। सो इट वुड बी लाइक फन और 2 घंटे तक ये वीडियो चलेगा। सो देखते हैं अभी ये वीडियो में हम जीत पा ये आई मीन ये टूर्नामेंट में मैं जीत पाता हूँ कि नहीं, बट लेट्स स्टार्ट। और थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी 2 मिनट का वेटिंग टाइम है, राइट? सो अभी सिर्फ 3 सेकेंड्स और अभी ये टूर्नामेंट शुरू। और इनिशियली जब आपके सामने वीक प्लेयर आता है देन यू कैन जस्ट ट्राई दिस बेसरक, जिसमें आपको जो है आपकी मिनट से वो आधी हो जाती है, आई मीन 10 की 5 हो जाती है, बट आपको जो है 1 पॉइंट ज़्यादा मिलता है ऑन विनिंग। सो आई एम ट्राइंग दिस। सो अभी उसकी 10 मिनट है, मेरी 5 मिनट्स। सो यहाँ पे Pc6 माई फेवरेट केरोकान, टू D5 इमिडिएटली अटैकिंग द सेंटर। सॉरी जस्ट टेक्स नाइट टेक्स एंड नाइट F6। तो यहाँ पे अगर नाइट कैप्चर F6 एंड पोन कैप्चर F6, जिसमें वाइट को क्लियर कट एंड गेम एडवांटेज है, बट ब्लैक जो है उसके पास किंग साइड काफ़ी अच्छी एक्टिविटी होती है। दिस इज नोन एज टारकोव वेरिएशन। सो यहाँ पे अब इस पोजीशन में 2 मूव है, वन इज पोन E5 एंड वन इज पोन H5। सो पोन H5, पोन E5 देन टेक्स, क्वीन टेक्स एंड देन नाइट टू G4। ओके नाउ आई कैन प्ले दिस मूव, स्टिल पोन टू E5 मारता है, देन वी कैन सिंपली टेक, किंग टेक और नाइट G4 के बाद उसका पोन F7 सॉरी F2 और ये E5 दोनों जा रहा होता है। सो विल गेट हमको जो है हमारा पोन वापस मिल जाता है। अगर कुछ और खेलता है देन हम शायद पोन कैप्चर D4 भी खेल सकते हैं या फिर पोन टू E4 माइट बी। इस टर्न ओके, सो बिशप कैन जस्ट प्ले नाइट G4 विथ एन आइडिया ऑफ कि उसका बिशप जो है उसको मानना चाहेंगे। सो नाइट G4, यप नाइट G4, आइडिया इज टू विनिंग द बिशप पेयर यहाँ पे, और उसके जो किंग साइड की पोजीशन है वो भी वीक हो सकती है उससे। यूजुअली आपको एक ही पीस दोबारा ओपनिंग में नहीं चलाना चाहिए, बट हियर इट हैज सम वैलिड रीजन, इसलिए मैं चला रहा हूँ। ओके टू जस्ट ओके ना जस्ट एक क्वीन कैप्चर क्वीन। ओके अबाउट दिस मूव, क्वीन F5 चेक एंड उसके बाद E5 पे जो पोन विन करना है एंड देन नाइट कैप्चर E3। सो माई आइडिया इज कंटिन्यूसली टू विन द बिशप पे, बट यहाँ पे शायद अब बिशप D2 आ सकता है एंड देन अगर नाइट कैप्चर या सॉरी क्वीन कैप्चर E5 देन क्वीन टू E2 भी खेल सकता है वो। इट्स ओके इन दैट केस हम जो है बिशप टू D6 खेलेंगे। ओके सो क्वीन कैप्चर एंड नाउ दिस सिंपल मूव, क्वीन कैप्चर E5 एंड अगेन मेरी थ्रेट है नाइट कैप्चर E3। सो नाउ नाइट कैप्चर E3, सो क्वीन कैप्चर E3 सिंस मोर और लेस फोर्स। जहाँ पे मैं क्वीन कैप्चर E3 खेलूंगा एंड जो ब्लैक है उसके पास उप्स, ये मैंने क्या कर दिया, दिस इज द वन मूव चेकमेट। सो ये होता है जब आप फास्ट खेलते हो। यप सो ये पहले गेम जो है हम हार गए, बट एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। एक्चुअली इसलिए हुआ कि मैं फास्ट खेल रहा था और मेरा ध्यान एक ही चीज़ पे रहा कि उसके पोन स्ट्रक्चर बिगाड़े और हमने जो है उसकी चेकमेट थ्रेट ही नहीं देखी। एनीवेज जो फर्स्ट से अभी तो 42 पे पहुंच गए।
सो थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ जब तक गेम स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि बीच में कई बार 2-3 मिनट का जो है वो वेटिंग टाइम होता है जहाँ पे आप जब तक आपको ओपोनेंट नहीं मिलता है। ओके सो ये गेम स्टार्ट हो चुकी है अभी। अगेन माई ओपोनेंट इज 1-6, सो आई एम गोइंग फॉर बेटर एंड नाउ पॉन टू e4 e5 Nf3 एंड नाउ बिशप टू b5 रुई लोपेस। आई होप के लास्ट टाइम जैसे ही मैं वन मोर चेकमेट ना मिस कर दूँ। पॉन b5 बिशप टू b3 एंड जस्ट कैसे नाइट कैप्चर e4 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ पॉन टू d4 एंड रुक टू e1। सो ये पॉन टू c3, माय आइडिया इज टू प्ले पॉन टू d4 और इन सम केसेस नाइट कैप्चर e5, नाइट कैप्चर e5 एंड पॉन d4, बट हियर इट्स अ पॉन टू d4। सो पॉन टेक्स, हाँ पॉन टेक्स, बिशप पे टेक है, सो यस टू मूव। एंड अब हमारे जो दोनों पोन है वो काफ़ी एडवांस हो गए, आई मीन d5 एंड e5 तक तो पहुंच ही जाएंगे। उसकी वजह से उसकी दोनों नाइट जो है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। e5 पहले, अगर पॉन d5 पहले पुश करता है देन वो नाइट यहाँ पे जा सकती थी एंड देन मेरे बिशप पे अटैक होता है। नाउ दिस मूव, अब वो नाइट कहाँ पे मूव करता है, अगर नाइट हियर देन आई कैन सिंपली प्ले दिस बिशप c2 एंड बिशप b7 के बाद बिशप कैप्चर ऑन h7। अभी थोड़े दिनों पहले हमने जो ग्रीक सेक्रीफाइस की बात की थी वो, एंड देन नाइट g5 इज क्वाइट पॉसिबल, नाइट g5 एंड क्वीन d3। ओके सेम आइडियाज, बट उसके लिए हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। से बिशप के वो खेलता है कुछ और, बिशप कैप्चर h7। ओके प्लेड दैट मूव, बट अभी जैसे कि मैंने बोला था कि अगर वो सफिशेंटली डिफेंड कर सकता है बाद में जिस h7 स्क्वायर को, देन वो हमारे लिए एक्चुअली अच्छा नहीं रहेगा। सो अगर नाइट g5 चेक एंड क्वीन h5 में खेलता है, देन यू कैन प्ले दिस बिशप टू f5। सो अभी ग्रीक सेक्रीफाइस है वो पॉसिबल नहीं है, बट नाउ वी कैन जस्ट कंटिन्यू द डेवलपमेंट। सो नाइट टू c3 यहाँ पे नाइट c4 है वो कोई इतनी बड़ी थ्रेड नहीं है बिकॉज ऑफ दिस मूव। पॉन b3 बाद में c4 नाइट, ओके सो ही कैप्चर्ड, कैन आई जस्ट प्ले बिशप कैप्चर h7, किंग कैप्चर, नाइट g5 चेक देन क्वीन कैप्चर g5 इज पॉसिबल बिकॉज उसका बिशप जो भी मेरे को मार रहा है। सो हेयर आई हैव टू प्ले दिस क्वीन टू d3 जहाँ पर उसकी अभी चेकमेट हो रही है, इस तरह से मैं पिन में से निकल जाऊँगा। सो क्वीन d3, यहाँ पे आइडिया और कुछ नहीं, जस्ट टू अनपिन। सो अभी g6 इज मोर और लेस फोर्स, फर्स्ट बिशप g5 और बिशप h6, या फर्स्ट बिशप g5 सो क्वीन पे अटैक है, ही हैज टू मूव। उसके लिए प्रॉब्लम यह है कि क्वीन कहीं और जगह पे मूव नहीं हो सकती, अदरवाइज मैं जो है सिंपली बिशप टू e7 खेल सकता हूँ। क्वीन d7 उसके बाद मैं पॉन कैप्चर खेल सकता हूँ, यहाँ पे अगर नाइट कैप्चर आता है देन अगेन नाइट टू e5, यहाँ पे क्वीन और बिशप दोनों पे अटैक हो गए। सो ये पोजीशन वाइट के लिए काफ़ी अच्छी,
अनदर प्लान ये हो सकता है कि नाइट यहाँ पे, देन पोन टू ई सिक्स और उसके बाद जी सिक्स पे सेक्रीफाइस नाइट का। ओके क्वीन सी एट गुड मूव। सो अगर मैं अब से खेलता हूँ बिशप टू एच सिक्स, नाइट जी सेवन सीम्स द मूव और उसके बाद ओके, बट यहाँ पे आई एम गेटिंग द बिशप पेयर, सो सॉरी रुक एक्सचेंज से 3 मिनट है, सो ज़्यादा सोचने का मना है, अदरवाइज हम जो है कुछ और भी सोच सकते थे यहाँ पे। ओके ये मूव इतनी डेंजरस नहीं है बिकॉज दिस सिंपल मूव क्वीन ई2, बिशप एक्सचेंज हो गया बट आई विल गेट दिस रुक। सो पहले क्वीन पे अटैक है, सो क्वीन कैप्चर एंड नाउ बिशप कैप्चर f8, नाउ वी कैन फोर्स द क्वीन एक्सचेंज क्योंकि क्वीन जो है h8 पे काफी डेंजरस है। यस टू टेक, नहीं देन आई थिंक इस ओवर, ये ओवर ही हो जाएगा। सो क्वीन h8 किंग e7 या ये ओवर है, चेक। किंग d7 सीम्स द मूव, ओनली मूव। सो यहाँ पे रुक तो एक्स्ट्रा था, अब शायद एक पीस और ज़्यादा मिलेगा। किंग d7 देन नाइट e5 चेक, किंग d6 नाइट कैप्चर f7 चेक, ये उसने यहाँ पे ही रुक दे दिया, सो सॉरी नाइट दे दिया। इसको b2 पॉन मिल सकता है बट नाउ इट्स ऑलमोस्ट ओवर, मेरे पास जस्ट बिशप के बदले में काफी मटेरियल है। सो नाउ दिस चेक और ये चेक, आई थिंक ये चेकमेट, नहीं चेकमेट तो नहीं है बट चेकमेट जैसा ही है। सो क्वीन f8 एंड देन नाइट e5 चेकमेट। सो लेट्स गो बैक, और अगेन मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पोस्ट कर देता हूँ जब तक कि मुझे ओपोनेंट नहीं मिल जाता है। सो अब जो ओपोनेंट है वो काफी वीक है, सो अगेन आई विल गो फॉर दिस बेसर। सो c6 कैरोकान, पॉन टू d5 इमीडिएटली जो है सेंटर पे अटैक, पॉन टेक्स एंड नाउ दिस इज एक्सचेंज ड्यूरेशन में बेटर ये है कि आप पहले नाइट नाइट जो है f3 पे ना करो क्योंकि बिशप g4 जो है ऑलवेज हो सकता है, बट ओके स्टिल इट्स प्लेबल। नाइट f6 बिशप एंड नाउ कैन आई प्ले जस्ट बिशप टू d7। सो इसका प्लानिंग ये है कि अगर मैं नाइट c6 खेलता हूँ देन नाइट टू e5, सो ऑफकोर्स दिस बिशप d7 एंड नाउ क्वीन कैप्चर। ऑल दो उसका नाइट e5 जो है विथ टेम्पो आ रहा है, बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब तक आप ये प्रूव ना कर दो कि आपकी नाइट जो है वो ये c6 पे गलत है, तब तक आपको जो नाइट है अपने नेचुरल स्क्वायर पे ही डेवलप करनी चाहिए। ये मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ। सो पॉन टू a6 नाइट e5 नाउ इज सिंपल मूव इन c7। Even though I think bishop f4 was quite possible, but okay, उसने खेला नहीं। So pawn e6 and now
सिंपल मूव बिशप d6, अगर बिशप f4 आता है भी है तो। ओके नाउ दिस फॉलोड बाय नाइट टू d7, और एक्चुअली ये e5 जो है वो ड्रॉप हो जाता है। सो अभी उसका e5 चला गया है गैस, ये से बिशप टेक्स या फिर नाइट टेक्स पोन कैप्चर, बिशप कैप्चर, बिशप कैप्चर। ओके 1 2 3, 1 2 3 अभी नहीं जा रहा, सो आई कैन डू जस्ट कैसल। मैंने जो मूव मिस की वो थी नाइट यहाँ पे, बट नाउ इट्स नाइट टू h5। आइडिया है कि नाइट से बिशप मारना है एंड कुछ भी होता है देन सिंपली विनिंग ऑन पोन, विनिंग ऑन e5। और अभी कुछ ना करे ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि नाइट कैप्चर बिशप क्वीन कैप्चर अगर आता है देन पोन f6 और हमें नाइट मिल जाएगी। ओके दिस इज रियली कूल मूव, बट से पोन टू f6 अब नाइट कैप्चर। ओके आई विल गो विद दिस मूव, और ये गलती, सो पोन हियर एंड नाउ अभी क्वीन चली जाएगी। सो अगर नाइट मूव होता है तो, अदरवाइज मुझे पीस मिल रहा है। दूसरी बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि इवन जब मैं पोन कैप्चर नाइट खेलूँगा देन उसको पोन कैप्चर ही खेलना पड़ेगा। उस केस में मेरा e6 जो है ओपन फाइल पे नहीं रहेगा, आई मीन उसका पोन e5 पे होगा तो फाइल क्लोज हो जाएगी, सो e6 वुडेंट बी अ वीकनेस। बट यहाँ पे डेफिनेटली ये ट्राई वो कर सकता है, बट उस केस में सिंपली टेक्स एंड किंग हटा दूंगा मैं। यप उसने वही ट्राई की, सो ये गलती है, ये आई थिंक नहीं करना चाहिए बिकॉज अब मैं नाइट कैप्चर खेल सकता हूँ एंड जस्ट वहाँ से हट सकता हूँ। आई मीन क्वीन कैप्चर इज पॉसिबल, बट देन किंग सिंपली हट जाएगा एंड देन नाइट टू f3 इज चेक, वो काफ़ी डेडली होगा। सबसे हटा दिया, नाइट कैप्चर d5 इज पॉसिबल बट नाइट टू f3 चेक पहले। सो किंग आता है देन आई कैन सिंपली टेक, अदरवाइज मैं यहाँ पे क्वीन खेल सकता हूँ देन रुक e8। सो यहाँ पे ऑफकोर्स क्वीन, सो इनडायरेक्टली ये थोड़ा प्रेशर है इधर। ओके ये थोड़ी मैंने जल्दबाजी कर दी, आई थिंक नाइट कैप्चर रूप वॉज मच बेटर बस। अभी भी दे रहा है, सो मैंने पहले सोचा नाइट कैप्चर बट उसमें किंग इधर आ रहा था, सो इट वाज नॉट वर्थ, सो अब रुक किया। ऑफकोर्स ये टेक्स एंड देन दिस टेक्स एंड फॉर्चुनेटली मेरी क्वीन जो सपोर्ट कर रही है, सो क्वीन कहीं पे भी मूव हो देन आई कैन ऑल्सो प्ले दिस मूव। सो ये विनिंग हो गई एक और, सो अभी 3 पॉइंट और मिलेंगे। Just one second. ये कई बार होता है कि जब वो हार जाते हैं, आई मीन पोजिशन इज लॉस्ट, देन वो सिंपली जो है इस तरह से टाइम वेस्ट करते हैं। बट ओके यहाँ पे उसने नहीं किया, सो अभी क्वीन कैप्चर, सो इज प्लानिंग फॉर दिस आई थिंक।
बट इतना अच्छा नहीं है बिकॉज क्वीन हियर. ओके सो कैन आई जस्ट प्ले क्वीन चेक. इसके बाद रुक जो है विथ चेक कैप्चर किया जाए. सो क्वीन चेक सो ये सिम्स ओवर हो जाएगी अभी इधर से या फिर इधर से. सॉरी हाँ दिस मूव चेक एंड वन मूवमेंट यप ओके सो अगेन 3 पॉइंट एंड बैक टू टूर्नामेंट. और अभी 6 पॉइंट हो चुके हैं जो फर्स्ट है उसके 11 है. सो ओके अभी भी राउंड होने में थोड़ी देर लगी. सो आई एम जस्ट पॉजिंग दिस वीडियो. यहाँ पे मेरा जो ओपन है 1880 और उसने बेस रखी. सो ऑफकोर्स चैलेंज है तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. सो अभी पॉन टू डी फोर डी फाइव नाइट थ्री जस्ट टू स्टॉप मेनी गेम्बिट्स लाइक पॉन टू ई फाइव. सो बिशप एफ फाइव गुड मूव. पॉन टू सी फोर ये इमीडिएटली पॉन सी फोर इसलिए कि जब भी बिशप लीव करता है हमको जो है ये बी सेवन पे अटैक मिलता है इसलिए. नाइट सी थ्री एंड कैन आई जस्ट प्ले पॉन टेक्स एंड क्वीन बी थ्री. सो पॉन कैप्चर एंड नाउ क्वीन टू बी थ्री. और यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट होता है. ओके सो उसने अभी यहाँ पे तो दे दिया. सो अगर मैं क्वीन कैप्चर खेलता हूँ देन उसको पहले जो है आई मीन यहाँ पे नाइट बी फोर भी पॉसिबल नहीं है. सो क्वीन कैप्चर बी सेवन पोन. नाउ दिस नाइट टू ए फाइव माइट बी बट उसमें तो क्वीन बी फाइव चेक आ रहा है. अब मेरी क्वीन जो है वापस डी थ्री पे जा सकती है या फिर हम यहाँ पे खेल सकते हैं पोन टू ई फोर पहले जस्ट टू डेवलप दिस बिशप. और उसके बाद जो है काफ़ी डेंजरस हो जाता है. सो वो बिशप से मार सकता है नाइट से मार सकता है सब कुछ हो सकता है. बट देन क्वीन कैप्चर बी सेवन. अगर पोन से मारा देन ऑल्सो क्वीन कैप्चर बी सेवन. नाइट मारेगा हम भी नाइट मार सकते हैं एंड वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है. सो क्वीन टेक्स ऑन बी सेवन. नाउ जस्ट पोन टू ई थ्री विथ एन आइडिया ऑफ बिशप बी फाइव. क्वीन हियर सो माइट बी नाइट बी फोर. ओके पॉन जी सिक्स ये कुछ उसको नाइट बी फोर आई थिंक खेलना चाहिए. एनी वेज बिशप सो अभी नाइट पे दो अटैक है. जस्ट नाइट ई फाइव. ओके यहाँ पे कुछ जरूरत ही नहीं है सब सिंपली कैसल कर लेते हैं. सो किंग वुड बी सेफ एंड नाउ नाइट बी फोर वो इतना अच्छा नहीं रहेगा. ओके इज प्लेइंग टू फास्ट बट यहाँ पे वो काफी मटेरियल लूज कर रहा है. सो बिशप कैप्चर सी सिक्स. नाउ नाइट टू ई फाइव अगेन थ्रेटनिंग टू विन अ पीस. दैट वॉज द ओनली मूव. और यहाँ पे अभी एक एक्स्ट्रा पोन है और मेरी पोजीशन भी अच्छी है. सो ओके आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे. सो नाउ आई एम प्लानिंग दिस मूव नाइट हियर एंड नाइट हियर. सो
सो पोजीशन की जब अच्छी, आई मीन यू आर हैविंग मटेरियल एडवांटेज, तो फिर आपको जितने हो सके पीसेज एक्सचेंज करने चाहिए. सो क्वीन एफ आई, यहाँ पे, या फिर क्वीन ए थ्री. ओके, क्वीन ए फाइव से ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसमें क्वीन एक्सचेंज होने के भी चांस है. यहाँ पे इनफैक्ट अब मुझे मेरी पोजीशन और भी अच्छी लगने लगी है, बिकॉज नाइट कैप्चर. सो पोन कैप्चर के बाद अभी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज ये नाइट के पास ज़्यादा जगह नहीं हो रही जाने के लिए. सो एफ सिक्स आ सकता है ऑन अ नेक्स्ट मूव. सो एच थ्री है वो मोर और लेस फोर्स हो जाएगा अगर वो पोन कैप्चर खेलता है तो, क्योंकि नाइट के पास जगह नहीं. या फिर आई कैन सिंपली प्ले दिस मूव. यप, ये अच्छी मूव. हाँ, सो अनप्रोटेक्टेड क्वीन. ओके, जस्ट टेक्स टेक्स. और यहाँ पे पीसेज एक्सचेंज के अलावा और कुछ नहीं हुआ. सो ओके, वाइट को कोई दिक्कत नहीं है. सिंपली नाइट अगेन सी फाइव पे. टेक्स एंड टेक्स. सिंपली पॉन पुश. और यहाँ पे मेरी नाइट इवन उसके जो बिशप है उससे काफ़ी बेटर है. सो अब सिर्फ किंग को आगे ले जाना है डी फोर तक. वो ठीक है, उसको चलता रहता है. स्टेक्स टेक्स एंड ओके. उसको यहाँ पे शायद मार के रुक खेलना चाहिए, बट वो मिस कर दिया. सो किंग यहाँ पे एक बार मेरा किंग डी फोर पे आ जाता है देन गेम इज ओवर. ओके, और ये आ गया, आई कैन नॉट स्टॉप. ड्रॉ के लिए ऑफर कर रहा है, बट आई हेट ड्रॉ. रुक सेवन थ्रेक पे माय आइडिया इज टू प्ले दिस मूव, बट उसमें चेक आ जाएगा एंड अदरवाइज वो काफी बढ़िया मूव है. सो बट पहले ये ओके, स्टिल इज ओके. अभी मेरी 50 सेकंड है, सो आई विल प्ले रियली फास्ट. ओके, सो व्हाट इज प्लानिंग. यहाँ पे अगर उसका प्लानिंग कुछ भी नहीं है देन सिंपली पॉन पुश. ओके, ये इजी हो गया. सो अभी बैक टू टूर्नामेंट. नाउ आई एम ऑन अ थर्ड पोजिशन और अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा. सो अगेन मैं हर एक गेम में थोड़ी देर वीडियो पोस्ट करूंगा ताकि आपको जो है वो वेट ना करना पड़े ज़्यादा. सो अभी जो हमारी गेम है वो है टूर्नामेंट लीडर के साथ, जो कि अभी फर्स्ट पोजिशन है. सो कौन टू सी सिक्स, कौन डी फाइव एंड ये एफ फोर मूव आई पर्सनली डोंट लाइक अगर वाइट से खेलता हो तो. सो अगर मैं बिशप जी फोर खेलता हूँ दैन बिशप बी फाइव चेक नाइट सी सिक्स एंड नाइट टू डी फाइव. ओके, नाइट एफ सिक्स पहले डी फाइव एंड नाउ आई कैन प्ले बिशप जी फोर. सिक्स. ओके, जब भी ये क्वीन यहाँ से मूव होगा आई कैन सिंपली कैप्चर दैट नाइट. सो उसकी नाइट जो ई फाइव जैसी अच्छी पोजिशन पे ना है. सो फिलहाल आई एम थ्रेटनिंग दिस नाइट कैप्चर. ओके, सो बिशप टू डी सिक्स नाइट थ्री एंड नाउ बिशप कैप्चर. उसका रोल ही यही था क्वीन कैप्चर. सो यहाँ पे मुझे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली शॉर्ट कैसल करता हूँ देन उसका पोन एफ फाइव सीधा आ रहा है. um,
but in this case I don't think so I have any other option. So castle, one f5 I just take. The bishop, so we bishop है immediately, उसने b2 pawn का protection छोड़ा है. So can we play just queen to b6 जहाँ पे उसको bishop save करना पड़ेगा, sorry pawn save करना पड़ेगा और वो b3 खेल सकता है. Then d4 pawn है, थोड़ा pain रहेगा but okay. यहाँ पे pawn to g6, the idea is कि मेरा जो अभी knight है उसको मैं f5 पे ले जाना चाहता हूँ. Okay, knight e7, that is one idea. Another is stopping the f5 pawn break. But up rook to b8, and that is pawn to b5 and b4. Okay, that was anticipated. एक क्लियरली जो है व्हाइट ब्लैक को एडवांटेज देता है, बिकॉज माइनॉरिटी अटैक हमारा ऑलरेडी आ चुका है. नाउ आई एम गोइंग टू अटैक इज ऑन c3 जो कि वीक है. यू कैन प्ले दिस रुक मूव, उसने खेला नहीं, काफी अच्छा था उसके लिए एक्चुअली. Anyways, but knight e5. I don't know why he's playing so fast. So queen check. And up sochte. So bishop is hanging, knight is hanging. सो अगर सिंपली मैं नाइट को मूव करूँ तो भी कुछ नहीं हो सकता. सो आई विल जस्ट मूव माई नाइट, या फिर क्वीन कैप्चर, या ये देन उसमें नाइट कैप्चर आ सकता है. बट यहाँ पे दिस इज विनिंग. ओके, दिस मूव नाउ बिशप कैप्चर. सो मेरे पास ढेर सारे पोन है, 3 पोन, बट ऑपोजिट कलर बिशप इज ऑन द बोर्ड. सो पहले बिशप किया. सो यहाँ पे जस्ट मैंने अपना पोन सेव किया है. सो अभी भी रुक है, सो यहाँ पे वो कोई दिक्कत नहीं है. सो चेक बिशप, एंड नाउ इट्स ओके, जस्ट वन पुश. सो पोजीशन इज कंप्लीटली विनिंग फॉर ब्लैक. And this is lost. Queen ही बीच में डालनी पड़ेगी. Just takes. And now king की position पहले improve करो, and then just push your pawn. With an idea of winning. Okay, he's playing too fast now. This move. सो द रुक यहाँ पे, एंड देन रुक चेक. तो किंग के पास जाने की जगह एक ही है, एंड ये बहुत ही जल्दी मेट हो जाएगी. सो रुक विथ एन आइडिया ऑफ एक्चुअली ये काफी उसकी गंदी मूव थी. ओके ना, सबसे पहले ये तो पोन मेरा सेफ हो गया, बट यहाँ पे वो क्या कर सकता है. जस्ट पोन पुश चेक, एंड इट्स अ मेट ऑन नेक्स्ट मूव.
कहाँ से थ्रे मेट इधर से आई सॉरी इधर से नहीं हो सकती बिकॉज किंग कैन गो सो दिस इज अ मेट ऑलराइट सो वी बैक टू टूर्नामेंट एंड अभी भी थर्ड पोजीशन पे है बट अब जो है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों के पॉइंट इक्वल हो चुके हैं बट एनीवेज मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पोस्ट करता हूँ क्योंकि अभी प्लेयर मरने में देर लगी ओके सो अगेन ये स्टार्ट और अभी मेरा ओपोनेंट 16645 सो डेफिनेटली वीक है सो आई विल गो फॉर बेस रेक एंड नाउ पॉन टू e4 c5 सिसिलियन डिफेंस और अभी इट्स अ टाइम टू प्ले मोरा सो पॉन कैप्चर देन पॉन टू c3 टेक्स एंड नाइट c3 नाइट कैप्चर c3 दैट इज अ मोरा गैम्बिट एक पोन के बदले में जो व्हाइट है उसको लीडिंग डेवलपमेंट एडवांटेज होता है और वो काफ़ी प्रेस करता है पोजीशन को पर्टिकुलरली जब क्वीन e2 एंड रुक जब आता है d1 पे एंड पिनिंग दिस पोन तो आगे चल के आएगा जो मैं आपको दिखूंगा सो नाइट f3 नाउ बिशप टू c4 बिशप c4 कैसल और ये काफ़ी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है कि क्वीन e2 जाती है रुक d1 जाता है एंड देन पॉन d6 को पुश करते हैं जब नाइट f6 आता है देन वी प्ले दिस मूव सो क्वीन e2 नाइट f6 एंड रुक d1 एंड उसको लगता है कैसल हो गया बट कैसल नहीं हो सकता एक्चुअली रुक d1 सो नाउ थ्रेटनिंग पॉन टू e5 जहाँ पे पॉन पीन है सो कुछ नहीं हो सकता है नाइट पे अटैक है सो दिस इज ऑल्सो मिस्टेक नाइट कैप्चर देन नाइट कैप्चर पॉन वापस कैप्चर नहीं कर सकता यहाँ पे इनफेक्ट ये पोजिशन वाइट के लिए अब काफ़ी अच्छी है बिकॉज आप नाइट g4 खेलोगे देन सिंपली पॉन टेक्स बिशप कैप्चर एंड नाइट e4 या फिर बिशप टू f4 बोथ आर विनिंग सिम्स ये भी विन हो जाएगी सॉरी ओके देन कॉन्टेक्स और ये तो अभी पॉन d6 इज टू स्ट्रॉन्ग इन द पोजिशन सो नाउ व्हाट अब क्या प्लान किया जाए नाइट टू d5 पॉन पीन है सो एंड नेक्स्ट मूव इज नाइट c7 या फिर ओके नाइट c7 सीम्स गुड कैसल राइट नाइट c7 रुक को सेव करना पड़ेगा एंड यहाँ पे हम कुछ सेक्रीफाइस भी प्लान कर सकते हैं e6 पे तो फिलहाल के लिए नहीं सो नाइट c7 और ये पर्टिकुलर पॉन d6 की वजह से उसका जो डेवलपमेंट है वो वीक हो जाएगा आई मीन अभी उसके लिए डेवलपमेंट करना काफ़ी ईजी है सॉरी वीक होगा आई मीन डिफिकल्ट होगा पर्टिकुलर ये बिशप का यहाँ पे मैं खेलना चाहता हूँ बिशप टू d3 विथ एन आइडिया ऑफ नेट कैप्चर a6 फॉलोड बाय क्वीन टू बट उससे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि मेरा बिशप निकल जाए और अभी ओके डेवलपमेंट मेरा ठीक है सो इन केस कुछ पीसीज अगर e5 पे आते भी है देन ऑल्सो मैं जो यहाँ पे कैप्चर कर सकता हूँ सो हाउ मेनी 1 2 3 और ये एक्चुअली हमारे लिए बेनिफिट है क्योंकि बिशप ठीक है मैं मूव कर लूँगा अभी
बट अभी जो है मेरा दूसरा बिशप है ऑलरेडी ओपन हो चुका है, सो ये काफ़ी अच्छी ब्लैक वाइट के लिए अचीवमेंट है। सो बिशप G3 जहाँ पे मेरा बिशप जो स्टक हो जाएगा, या फिर बिशप E3 जहाँ पे बिशप वापस जा सकता है यहाँ पे भी। सो ये यहाँ पे मीन्स ऑन B6। इनके स्पोन B5, देन बिशप D5 भी खेल सकता हो, यहाँ पे बिशप B7 सेम्स। सो डेफिनेटली एक और पोन मिलेगा अगर वो नाइट सेव करता है तो, आई मीन बिशप से नाइट सेव करेगा, देन मैं ये खेल सकता हूँ नाइट कैप्चर ऑन A6, या फिर सिंपली बिशप कैप्चर C6, बिशप कैप्चर C6 एंड नाइट कैप्चर ऑन A6 जहाँ पे वो खेल सकता है। बिशप कैप्चर F3, क्वीन कैप्चर F3, ओके यही हुआ। सो से अगर नाइट कैप्चर आता है तो नाइट D4 चेक, मैं बिशप से मार सकता हूँ, एंड यू कैन जस्ट प्ले बिशप कैप्चर, जस्ट से कहीं गिनना पड़ेगा। सो नाइट कैप्चर A6, नाइट टू D4, बिशप कैप्चर D4, बिशप कैप्चर नाइट कैप्चर B8, ओके। सो यहाँ पे मुझे एक पॉन तो डेफिनेटली मिल रहा है, किस तरह से मारा जाए, पहले नाइट कैप्चर या फिर पहले बिशप कैप्चर C6। ओके बिशप मेरा काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, सो आई विल जस्ट कीप दैट बिशप, नाइट कैप्चर A6। सो अगर बिशप कैप्चर देन बिशप कैप्चर, सो पॉइंट इज इन केस दिस मूव, मैं बिशप से मार सकता हूँ, फिर बिशप कैप्चर बिशप आ सकता है, देन आई कैन सिंपली प्ले नाइट कैप्चर, ओके ये सब किया ही नहीं। सो दिस पोजिशन इज विनिंग, एक एक्स्ट्रा पोन है अभी तक, एंड मेरा जो पोन है वो D7 पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। सो नाइट D4, आई थिंक ये मिस्टेक कर दी, बिशप कैप्चर पोन वॉज क्वाइट पॉसिबल, बट ओके इट्स ऑल्सो गुड मूव। ये दिक्कत थी, बट अभी बिशप पे अटैक नहीं है, सो कैन आई जस्ट सिंपल प्ले नाइट कैप्चर B5, ये इनकेस बिशप कैप्चर, बिशप कैप्चर, हाँ नाउ बिशप टेक्स, बिशप कैप्चर देन बिशप कैप्चर। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी मटेरियल एडवांटेज है, नाउ आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई इश्यू है। ओके एक पोन जा रहा है, बट आई हैव 3 पोन, सो यहाँ पे सिंपली पोन D7 खेल सकते हैं, एंड बिशप C5 जहाँ पे उसका रुख चला जाएगा। ये उसके लिए जरूरी था। सो क्वीन H4 में भी, बट ओके पोन टू D7, गलती कर दी था तू। ओके नाउ रुक भी हूँ, उसको शायद क्वीन H4 खेलना चाहिए था, बट उस केस में पोन G3, देन उसका क्वीन जो है थोड़ा नज़दीक रह सकता था, बट यहाँ पे ओके और ये रुक चला गया, डबल अटैक।
I think he will resign now. Nahi. I'm going to see. Rook f8, then queen takes, rook takes, okay. ये कौन सी मूवी? अच्छी मूवी उसने. पोन मेरा सेवंथ रैंक का चला गया, कोई बात नहीं, काफी पोन, एन एक्स्ट्रा पीस. सो बैक टू टूर्नामेंट अगेन एंड आई होप इस बार फर्स्ट, यप, वापस पहले नंबर पे है. और अभी एक घंटे की टूर्नामेंट और बाकी है. सो जस्ट पॉजिंग द वीडियो. ओके, इस बार जो ओपोनेंट है उसका रेटिंग है 1804. सो यहाँ पे ओके अगेन आई जस्ट गो विथ दिस. एक्स्ट्रा मिलेगा उसके लालच है. और कई बार ये जो है बैकफायर करती है, मतलब लास्ट में आपको यही चीज़ दिक्कत दे सकती है. एनी वेज फाइव एक्सचेंज वेरिएशन, बट एडवांस बिशप टू जी फोर. एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वेरिएशन, आज शॉर्ट वेरिएशन, बट यहाँ पे पॉन डी फोर इज मिसिंग. नाउ पॉन डी फोर, सो गेम जो है ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है शॉर्ट वेरिएशन में. पॉन एच फाइव, और यहाँ पे पोन एच फाइव इसलिए खेलना है क्योंकि नाइट ई सेवन से जब एफ फाइव पे जाती है तब डायरेक्टली जी फोर खेल के उसको हेरेस ना कर सके कोई. एंड नाउ मेरा ये जो बिशप है वो एक्चुअली अच्छा है काफ़ी अगेंस्ट उसके. अगर आप ये देखिए पोन्स तो डार्क स्क्वायर में, जबकि मेरे जो है लाइट स्क्वायर में, तो डेफिनेटली मेरा डार्क स्क्वायर बिशप काफ़ी अच्छा है. सो क्वीन बी सिक्स वो मुझे एक्शन नहीं करना है. क्वीन कैप्चर बी टू इज थ्रेट. अनदर थ्रेट इज बिशप कैप्चर एफ थ्री, बिशप कैप्चर एफ थ्री एंड क्वीन कैप्चर डी फोर इनकेस अगर वो क्वीन जो है वो सी वन पर लेता है. सी थ्री, सो आई कैन नाउ जस्ट टेक. पहले देखते हैं कुछ होता तो नहीं है. सो से क्वीन कैप्चर सी थ्री तो उसकी नॉर्मल होगी कैसल, एंड बाद में मुझे अपनी क्वीन बैक लेनी पड़ेगी. ओके, सो हियर पोजिशन इज नाउ विनिंग. यहाँ पे हम एक और ट्राई कर सकते हैं, बिशप एफ फाइव और सिंपली एक्शनिंग द क्वीन. और जब भी ये स्ट्रक्चर क्लोज होता है तब आपका किंग जो है रिलेटिवली अगर सेंटर में रहता है तो इतनी दिक्कत नहीं आती है. बट यू हैव टू प्रिसाइसली कैलकुलेट कि अगर पोजीशन ओपन होती है देन वो डेंजरस हो जाता है. ओके, सो कैसलिंग एंड नाइट टू डी सेवन डेवलपमेंट. सो नेक्स्ट मूव मेरी होगी क्वीन बी सिक्स फॉलोड बाई क्वीन सी सेवन, क्योंकि अदरवाइज सिंपली वो खेल सकता है आई गेस. पोन आगे पुश, नाइट मूव एंड ओके. दिस इज वेरी वियर्ड. ओके, उसको नाइट मूव करनी है एंड बट उसके पहले वो मेक श्योर कर रहा है कि राइट देन नाइट टू एच सिक्स. ओके, नाउ आई हैव टू प्ले दिस, अदरवाइज यहाँ पे मेरी क्वीन ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि नाइट ए थ्री आ रहा है एंड देन नाइट सी फाइव आ रहा है. क्वीन बी सिक्स, एक पॉन जो मिल चुका है उसके बदले में थोड़ा बहुत अटैक झेलना पड़ेगा. ओके, नाउ कैन आई जस्ट टेक, बट यहाँ से वो जा कहाँ रहा है? नाइट सी टू पे जा रहा है.
and now he's supporting pawn ko bhi support kar raha hai. So abhi zarurat nahi hai. First I will just go for this knight to f5. Actually bishop ke jane ke dono raste band kar diye, but mere paas yahan pe bishop capture f3 is an always option. So abhi yahan pe maine kya socha hai ki in case pawn c4 khelta hai and then bishop capture f3, bishop capture f3 and bishop capture a3, rook capture a3 and queen capture d4 or even knight capture d4. So pehle knight ko support kiya na, uska plan ho sakta hai pawn push karna, but usme bhi same ideas mein use kar sakta hu. But yahan pe wo pawn to a5 bhi khel sakta hai. So अब यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ पोन टू एच फोर पोन टू एच फाइव जहाँ पे इसकी पोजीशन वीकन हो सकती है, आई मीन मेरा रुक जो है उस फाइल पे है, तो आई शुड ट्राई टू ओपन दैट एंड या फिर कैसल करके जो है किंग सेव करके सिंपल गेम खेली जाए. नो सो पोन पुश रुक बी ए रुक बी वन देन क्वीन सी सेवन पोन ए फाइव देन ऑल्सो क्वीन सी सेवन. बट अभी मेरी मिनट सिर्फ दो ही रह गई, सो इज फोर्सिंग दिस बिशप एक्सचेंज. ओके सो लेट्स नाउ बिशप टू ई सेवन. नाउ थिंग्स आर बिट डिफरेंट. ओके नाइट h3 कैन आई प्ले जस्ट पॉन पुश. ओके नहीं हो सकता है. सो अब क्या डेफिनेटली देन स्टैंडर्ड जो बैक थ्रू है पोजीशन में वो अचीव करना चाहिए एंड दिस इज पॉन टू c5. रुक बी एट क्वीन सी सेवन C7 अच्छा. सो अगेन अब वो पोन कैप्चर करता है देन इवन आई कैन गो फॉर दिस मूव नाइट कैप्चर e5 बिशप f4 या बिशप उसमें बिशप f4 आ सकता है एंड देन पोन f6 खेलना पड़ेगा. वो अच्छा नहीं है. सो डेफिनेटली अगर पोन कैप्चर देन राइट. सो अगेन ये पोन पे अटैक है एंड b7. सो बस b6 खेला जा सकता है एंड रुक टू b8 भी खेला जा सकता है. विल गो विथ रुक b8 क्योंकि पॉन b6 में वो a5 खेल सकता है एंड सो ऑन. ओके जब पुश करेगा तब पुश करेगा. सो कैन आई जस्ट टेक पॉन कैप्चर एंड क्वीन कैप्चर जा रहा है सो नाइट से ही माना पड़ेगा देन नाइट कैप्चर नाइट कैप्चर सॉरी पॉन कैप्चर और उसके बाद नहीं. सो यहाँ पे कैसल इज मस्ट. सो इन केस पॉन a6 वी कैन इवन कंसीडर टू टेक इट. अगर मारता हो देन डेफिनेटली वो किससे मारता है क्वीन से ही. देन रुक कैप्चर इस केस में ये पोन वीक हो जाएगा. सो आई डोंट वांट दैट टू b6. सो नाउ मैं ये कैप्चर कर दूंगा डेफिनेटली. काफी कम सेकंड है. ओके फोर स्टार. सो अब क्वीन टेक्स. c6 इज नॉट पॉसिबल एट ऑल.
queen hanging here, so it's a good position. I made a knight capture, and again this, okay. So white is pull out already. So bishop to 6. Now the knight capture, then simply pawn takes. Okay, ये खामा खा उसने कर दिया बिकॉज नाइट कैप्चर, और अभी जो मेरा स्ट्रक्चर बिगड़ रहा था वो भी नहीं बिगड़ गया. नाउ नाइट f5, सॉरी नाइट c4, नाइट कैप्चर्स, डेफिनेटली दो एक्स्ट्रा पोन, बट सिर्फ 36 सेकेंड, और ये पोन फोल करेगा डेफिनेटली. सो फ्रेंड्स, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, जस्ट आई विल प्ले रियली फास्ट. टेक्स टेक्स, दिस मूव, दिस मूव, देन एक और अटैक है. So knight e2 seems the only move. Okay, now this move, attacking this pawn. Rook se nahi mara ja sakta. Yeah, mara ja sakta. He can support. Us case mein kya kar sakta hu? Pawn push and rook here. Pawn push. Rub rook here and I can win that pawn. Cool. This. And kya? And push. So knight c3 naya and just 15 seconds. Okay, ab meri knight up free hai. Knight here. Knight c3 में मार सकता हूँ, so pawn push. c6 with an idea of pushing pawns. और जैसा कि मैंने बोला था, लास्ट में दिक्कत दे सकता है. ये मेरा माउस टेक्स, सो एटलीस्ट अब हार नहीं सकता. ओह ये ड्रॉ, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो गया. सो एनीवेज, एटलीस्ट हारा नहीं, बच गया. सो बैक टू टूर्नामेंट. एंड ये दिक्कत आती है जब बेशरक खेलते हो, बट स्टिल ऑन फर्स्ट पोजीशन. बट अभी जो है विनिंग स्ट्रेक हमारा निकल गया. सो अब क्या होगा कि जब मैं विन करूँगा, आई विल गेट ओनली 2 पॉइंट. या ऑलराइट, सो अभी भी थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करते हैं. ओके, काफ़ी जल्दी ओपोनेंट मिल गया. सो अगेन 1922, सो वो देन वी कैन डू, बिकॉज दोनों की 5 मिनट्स है. कौन सी 6,
और इसमें आपने देखा केरोकान की काफी गेम हुई, पॉन टू डी फाइव जस्ट टेक्स एंड नाउ नाइट एफ सिक्स खेलता है, देन पोन कैप्चर अगेन, उसमें क्लियर कट जो है, इस गेम में क्लियर कट व्हाइट को विनिंग एंड गेम एडवांटेज है, बट अगर गेम एंड गेम तक पहुंचती है तो बिशप डी सिक्स सर। ओके ये पहले से ही उसने कर दिया, सो ई एट चेक, नाइट एफ8, और मैं इतना फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चंक पता है बिशप टू ई सिक्स एंड क्वीन टू डी सेवन। ओके ये मैंने मिस कर दिया, सो क्वीन हियर, सो आई एम प्लानिंग टू सेक्रीफाइस, सो टेक्स टेक्स काफी अच्छा है, देन बिशप, बट पहले नाइट ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि नाइट कभी एच फोर पे जाती है आगे चल के, यहाँ पर वो कुछ अनाप शनाप खेलेगा, देन दिस मूव इज विनिंग। सो से पॉन टेक्स एंड नाउ क्वीन टेक्स, सो इन केस अभी उसका नाइट जा रहा है, सो बिशप एफ फोर भी नहीं खेल सकते क्योंकि नाइट कैप्चर एफ फोर आ रहा है, जी सिक्स, ओके देन सिंपली टेक्स, बिशप एफ फोर दें क्वीन हियर एंड बिशप जी थ्री जब आता है देन डिफिकल्ट होगा थोड़ा, ओके सो नाउ क्वीन कैप्चर एफ थ्री बिशप कैप्चर एंड रुक ई फोर, सो बिशप दिस इज डिफिकल्ट, क्योंकि क्वीन जी फोर राइट सेम सी ए फोर से यहाँ पे, सो अगेन मुझे एक एक पोन मिल रहा है, बट क्वीन जी टू आ रहा है एंड सो क्वीन कैप्चर एफ थ्री में खेल सकता हूँ यहाँ पे, बट उसमें बिशप कैप्चर डी सिक्स आ सकता है, ओके बट यहाँ पे ये मूव काफ़ी अच्छी है, उप्स काफ़ी बड़ी गलती, दिस इज बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि अभी देखिए अभी मैं क्वीन कहीं पे मूव नहीं कर सकता एंड वो मेरा जो बिशप सिंपली मार सकता है, सो से रुक यहाँ पे सिंपली टेक, मैं रुक से मारूंगा, रुक से मार सकता है देन बिशप कैप्चर, ये काफी बड़ी गलती कर दी, दिस इज फ्रॉम लूजिंग फ्रॉम विनिंग पोजीशन। क्वीन जी फाइव इज नॉट पॉसिबल, सो रुक ई टू, इसमें नाइट कैप्चर रुक कैप्चर रुक कैप्चर बिशप कैप्चर जी थ्री पोन कैप्चर जी थ्री पोन कैप्चर, और मेरे पास एक रुक कम हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे टू बिशप, ओके सो आई हैव टू प्ले दिस, नो ऑप्शन, एंड नाउ जस्ट पोन पुश, एक्चुअली मैं ये चांस देख रहा हूँ,
But definitely bishop attack. Oops, ये मैंने क्या कर दिया? I was winning with this move. ये उसने दे दिया, so मेरे लिए अच्छा है. चलिए पॉन पुश. यहाँ पे एक और चीज दिमाग में आ रही है, दैट इज पॉन पुश. टेक्स देन क्वीन टेक्स. ओके सो रुक कैप्चर. ओके ये गेम में थोड़ा ट्विस्ट आ गया. अभी डेफिनेटली वो दोनों जो है रुक मारेगा, बट अगर क्वीन बोर्ड पे है तो आई होप मैं कुछ कर लूँगा यहाँ पे. बाकी अदरवाइज दो पीस डाउन ही हो गए थे. ड्रॉ वुड बी आइडियल रिजल्ट. यहाँ पे ड्रॉ अगर मुझे मिलती है देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट. फ्रेंकली स्पीकिंग जो ब्लैक है उसकी पोजीशन यहाँ पे माइनस है. नाउ आई टेकिंग दिस रूक. यहाँ पे सो पॉन पुश मुझे काफी रिस्की लग रहा है, बट अगर मैं पॉन डबल पुश करता हूँ रुक चेक किंग इधर रुक कैप्चर नहीं है, दैट इज नॉट गुड. दिस मूव नाउ अगर मैं पुश करता हूँ फिर भी ये भी अच्छा नहीं है. सो ये पॉन पुश चेक किंग यहाँ पे स्टिल नॉट कन्विंस. सो यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है. अब क्या उसका थ्रेट क्या है? कुछ नहीं. मैं भी वही करता हूँ. ओके नाउ पॉन पुश. इस पॉन में चेक देन किंग आगे. ओके पॉन पुश जितना मिलता है मैं पॉन पुश करता जाऊंगा. रुक चेक माइट बी. नहीं पॉन पुश नाउ किंग आगे. सो मैं और पॉन पुश करता हूँ देन ही कैन सिंपली. ओके सो किंग हियर. अब मेरा फोन पुश आ गया है.
this check. Okay, knight pair attack. And this move. So we have काफी जबरदस्त position है. Oops, again time lost. So अभी second number पे and now 5 point की lead है मेरे opponent के पास और जिसका अभी उसको बेसरेक पे चल रहा है. So anyways, pausing this video. यहाँ पे ओपन लो रेट है, सो मैंने ऑलरेडी ये कर दिया है बेसर एक. ये तो सो डू 24 3 और अब नाइट सी 3. ओ, इसके अगेंस्ट मैं आपको सही में बोलूँ तो यही बोलूँगा कि यहाँ पे काफ़ी जितना हो सके आप सिंपल खेलो, क्योंकि ये सिस्टम है उसमें ब्लैक के पास काफ़ी ऑप्शन होता है. सो नाउ पॉन टू एच 3. आइडियली अगर बिशप पे नाइट को पिन करता है देन ही उसको कैप्चर कर देना चाहिए, बट उसने नहीं किया. बिशप डी 2. नाउ पॉन टू बी 4. क्वीन कैप्चर. जस्ट कैसल. Just trying to open the position. So यहाँ पे पॉन वापस मिल गया with numbers of threat. Okay, so knight c7 is just winning. Takes. Oh, queen. भागने के लिए जगह ना. रुक कैप्चर. और यहाँ पे आप देख रहे हो कि गेम जो है ऑलरेडी विनिंग है और इसमें कुछ इतनी कमेंट्री देने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जस्ट अपने आप ही गेम विन हो रही है. सो पॉन कैप्चर्स इज हेल्पिंग मी अलॉट इन ओपनिंग अप पोजीशन. आइडियली आपको इस तरह से पीस नहीं रखना चाहिए, बट यहाँ पे मेरे जो रुक. ओके, चेकमेट की थ्रेट. बाप रे. सो दिस इज ऑलमोस्ट फॉल्स. चेक है तो. ओके, ये क्या. सो यहाँ पर मुझे क्वीन मिल गई सिंपली पिनिंग. सॉरी, दिस इज ओवर. ओके, सो बैक टू टूर्नामेंट एंड नाउ 26 सेकेंड पोजिशन पे. अभी जो है फोर्थ पोजिशन पे जो है उनका और ये फर्स्ट पोजीशन पे जो है उस दोनों का आई थिंक मैच चल रहा है यहाँ पे. सो दोनों में से अगर ये जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो ड्रॉ भी करता है देन यहाँ पे मुझे कुछ चांस है कि मैं फर्स्ट पे पहुँच के फर्स्ट अचीव कर लूँ. बट लेट्स सी. ओके, सो यहाँ पे अगेन जो मेरा ओपोनेंट है 1840. सो रेटिंग कम आई गो विद बेसरक एंड नाउ पॉन टू ई 4. 6 फ्रेंच. ये थोड़ा अलग खिला में. नाइट सी 3. सो बिशप बी 4 आई गेस. नाउ बिशप टू डी 3. और ये थोड़ा अभी डिफरेंट खेल रहा हूँ मैं, विनेवर वेरिएशन नहीं. आगे चल के मैं पोन कैप्चर ऑन 5. ओके, सो बिशप कैप्चर. क्वीन ए 5 इज ओके. ए 5 पॉसिबल नहीं है, सो दिक्कत नहीं है. सो पॉन सी 5 एंड फॉलोड बाई क्वीन ए 5 स्ट्रॉन्ग थ्रेट. इज काउंटिंग ऑन नाइट कैप्चर आई थिंक. ओके, नहीं.
So f takes and knight f3. Now pawn a3. So takes. So c6 and now castle. So now pawn to c4. A square ko hasil karne ke liye. And then might be bishop d3 back. Yeah, fake pawn to c3, bishop c2, queen d3. So pawn c3, of course. Yes. Oh, if there knight aata hai, then I can simply go this move. Bishop c2, yeah. So yahan pe abhi thoda knight capture jo hai possible nahi hai because of this move. So pehle queen d3, so abhi a pin nikal gaya. And now knight e5. Okay, he got the bishop exchanges, but it's okay. Meri knight e5 pe jo hai kafi achhi hai. Even bishop capture, queen capture aur uske baad main khel sakta hu pawn push aur knight d7 jahan pe ruko queen dono pe attack hoga. So now pawn, okay, so usne avoid kar diya pehle se hi. So which rook? This one. और यहां पे मजेदार बात यह है कि क्वीन यहां से अगर हटती है कहीं और देन नाइट कैप्चर सी 6 जो है वो भी काफी अच्छा रहेगा जो कि विद एन आईडिया ऑफ दिस मूव टू दिस या फिर अवेन रुक टू जी 3 यहां पे नाइट कैप्चर सी 6 और जी 6 हो सकता है सो अगर अब मैं रुक इधर करता हूं इट्स पॉसिबल यहां पे मुझे पॉसिबली जो बैकरिंग थ्रेट है उसका ध्यान रखना पड़ेगा सो से इज प्लेइंग दिस नाइट कैप्चर सो अगर मैं क्वीन से मारता हूं देन मैं लॉस हो जाऊंगा आफ्टर दिस मूव जहां पे मैं रुक कैप्चर नहीं खेल सकता बिकॉज़ ऑफ क्वीन टेक्स पॉन टेक्स एंड रुक हियर बट ऑफ कोर्स आई कैन डू दिस मूव ओह अच्छा है फिर this I think more powerful was rook to g3 So queen d6 is not possible because pawn e5 so yahan pe and now rook g3 yep so meri threat hai knight capture okay now knight capture g6 is not possible even because ke queen aa jayegi सो पहले जस्ट टू मेक रूम सो अभी बैक रैंक की थ्रेड जो है सारी निकल चुकी है आई कैन इवन कैन आई जस्ट गो फॉर पोन ए फोर एंड पोन ए फाइव भी अच्छा है ओके दिस इज द मिस्टेक ओके दोनों में से एक पीस चला गया
So again this position is winning for white. Can I consider this now, even knight capture, pawn takes, queen takes, okay, nahin, fir ye maar deta, uske baad uski baat karenge. Ah, so here a possible, now pawn takes. सो ये हमने गलती कर दी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. सो विनिंग पोजीशन में से अभी ये ड्रॉइंग पोजीशन या फिर शायद लूजिंग पोजीशन पे ना जाए, फिर भी एक एक्स्ट्रा पॉन है. Knight capture g6 was I think win. So, okay. Queen here. My basic intention mera ye hai ki main kisi bhi tarah is pawn ko barkarar rakhu. सो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर रुक हियर, ओके दिस इज सीम्स वेरी अगली. सो रुक जी थ्री, यू कैन टेक द क्वीन. ओके सो रुक हियर, इस पोन का सेक्रीफाइस है, बट आई थिंक मुझे काफ़ी अच्छा प्ले मिलेगा यहाँ. Screen here. So what is this threat? Nothing. So look here. So even pawn push, then also I can make queen और बाद में rook capture, queen capture और still g2 जो है मेरा protected रहेगा. इससे क्या होगा, अभी तो ये protected है. so वो queen यहाँ पे किस तरह से मेरी जो है प्रिवेंट कर सकता है, मैंने जस्ट रुक किया. ठीक है, यहाँ पे डबल थ्रेट है और आई थिंक ये डबल थ्रेट मीट करने वाला काफ़ी मुश्किल है. दैट इज क्वीन कैप्चर रुक और उसके बाद नई क्वीन या फिर डायरेक्टली नई क्वीन. अनफॉर्चुनेटली उसकी क्वीन जो है रुक को सपोर्ट नहीं कर सकती. इसे क्वीन ईयर तो मैं मार दूंगा, नई क्वीन. So it's the time to resign, I guess. ये गेम में काफ़ी उतार चढ़ाव है. आई मीन ये पोजिशन जो पहले काफ़ी विनिंग थी उसमें से काफ़ी मैं जो काफ़ी गंदा खेला, बस स्टिल ये पोन a7 काम आ गया. और अभी सेकेंड पोजिशन पे हम हैं, बट जो अभी टाइम है वो सिर्फ 28 मिनट का बाकी है, उसमें से शायद ये 2-3 मिनट तो एक खा जाएगा. ओके पॉन पुश,
सो व्हाट इज द थ्रेट, कुछ नहीं ना, पॉन पुश मैंने सिंपली जा सकता हूँ, इट्स अ टेक, दिस पोजिशन, यस चेक, ये काफ़ी मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया क्योंकि क्वीन टेक्स, पॉन टेक्स, पॉन टेक्स, किंग टेक्स और वहाँ पे क्वीन बन से कोई स्टॉप नहीं कर सकता. सो पॉन टेक्स नाउ नई क्वीन एंड दैट इज वेरी, सो रेजिग्नेशन. ओके अभी भी सेकंड पोजीशन पे और मेरा ओपोनेंट जो है ये हार ही नहीं रहा है. आई मीन नहीं, मेरा स्कोर भी उसके सामने 0 versus 2 है, मतलब मुझको उसने दो बार हराया. फर्स्ट गेम किसके सामने, सेकंड हरा 1970 के सामने. और राइट, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पोस्ट करता हूँ जब तक ओपोनेंट ना मिले. ओके सो अभी मुझे ओपोनेंट मिल चुका है एंड अगेन इट्स वीक ओपोनेंट, सो बेसर है. सो पॉन टू e4, e5, नाइट f3, c3, नाउ नाइट कैप्चर ऑन e5 विथ एन आइडिया ऑफ अपॉन d4 इन केस. ओके उसने कुछ नहीं किया, सो दिस इज बेसिकली विनिंग अ पॉन. बिशप b5, एक पॉन मिल गया, सो विल जस्ट ट्राई एन एक्सचेंज. h3, अभी तक कैसल नहीं हुआ, सो ये पिनिंग इतना जो है यूजफुल नहीं रहता. यूजुअली कैसल होता है देन ये पिनिंग जो है काफ़ी डेंजरस हो जाता है. ओके टेक्स नेक्स एंड इमीडिएटली रुक जीवन, इसी की वजह से ये पिन जो है इज नॉट दैट गुड. सॉरी बिशप हियर, सो इवन ये आता है देन ऑल्सो आई कैन प्ले दिस मूव. सो ये इतना कोई दिक्कत वाला है नहीं. और यहाँ पे देखिए मैं क्लियरली इसको मार सकता हूँ बिशप को एंड आई वुड बी हैविंग टू पीसेस फॉर अ रुक. सो डेफिनेटली मैं करूँगा वो. कैप्चर एंड नाउ नाइट g5 पॉन g6. ओके दिस इज विनिंग आई गेस, माय थ्रेट इज क्वीन कैप्चर. ओके ये पता था देन नाइट एंड नाउ दिस एंड दिस इज विनिंग. यहाँ पे अभी कैसल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं. An idea of this bishop here. या फिर पहले क्वीन g6 एंड उसके बाद बिशप. एक्स्ट्रा पीस है सो ये कौन कैप्चर वो दे रहा है तो मैं क्यों ना लू. आप देख रहे हो कि जब भी ये गेम में मुझे कुछ भी मटेरियल ज़्यादा हो जाता है जस्ट गो फॉर सिंप्लीफिकेशन एंड दैट इज़ द परहैप्स बेस्ट स्ट्रेटजी जब आपके पास मटेरियल ज़्यादा होता है. ओके क्वीन एक्सचेंज ओके आई प्ले दिस मूव फोन डबल कर दूंगा. ओके जस्ट टेक
rook. Pawn push. It's काफी सिंपल है. और यहाँ पे रुक भी ट्रैप हो सकता है. किंग या रुक ऑन द सेवेंथ रैंक. पॉन पुश. यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ बिकॉज इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है. ओके नाउ दिस इज मोर देन इनफ फॉर विन. सिंपली रुक अगेन मैं A7 पे ले जाऊँगा एंड देन पुश माई पॉन फॉरवर्ड. ओके एक और पॉन मिला. चेकिंग मार देना चाहिए. ऑफ कोर्स ना ये पोन कभी भी डेंजरस नहीं होगा क्योंकि जब भी आएगा सिंपली मैं F2 पोन उसको कैप्चर कर सकता है. काफी सिंपल अभी गेम. ये मुफ्त में ही लेते हैं. चलिए रुक चेक. आई थिंक यू विल रिजाइन नाउ. चेक. अब ये देखिए ये थोड़ी गड़बड़ हो गई बिकॉज रुक हटा देना पड़ेगा मुझे. देखा कि रुक इधर खेलता है तो स्टिलमेट हो जाती. सो अब रुक इधर. नाउ इट्स फाइन. क्वीन इसको चेक विथ चेक जो भी मारना है विथ चेक. चेक एंड मेट. बैक टू टूर्नामेंट एंड फर्स्ट प्ले पहुंच गए. चलिए बट आई थिंक ये जो है सेकंड नंबर पे उसकी गेम चल रही होगी एंड अगर वो विन करता है तो अगेन 37 या उसकी गेम चल ही रही है. यहाँ पर पोजिशन लुक्स के ब्लैक इज विनिंग. ओके सो अच्छा है. स्टिल यहाँ पे उसके पास बिशप है. सो कभी भी ये बिशप जो है वो सिंपली मार के पॉन पुश हो. उसकी नाइट फ्री नहीं है अभी ब्लैक की. सो लाइकली टू बी ड्रॉ. ओके अभी हमारी गेम हुई 225. ओके उसने बेसरेक किया है सो वी शुड और नॉट. चलिए कहते हैं पॉन टू C6. एंड ये फॉर्मेशन जो है वो वाइट के लिए इतना अच्छा नहीं है पर्टिकुलर इन दिस पोजिशन. इज प्लेइंग टू फास्ट मैन. क्यू डेफिनेटली पॉन स्ट्रक्चर बिगड़ा है मेरा बट इट्स ओके स्टिल. सो से मैं पॉन पुश करता हूँ. चल गो गो एंड पुश. ओके
सर पहले पोन पुश, एक्चुअली मुझे ये पोन पुश करना है, बट अभी क्वीन जो है उसकी थोड़ी परेशान कर रही है। ओके ना ही इज अटैकिंग माय रुक, सो रुक मस्ट बी मूव्ड और आई हैव टू सपोर्ट। सो आई बिशप और क्वीन कैप्चर ए सिक्स, सो नहीं, सो रुक बी एट। चलिए मुझे पोन एफ फोर खेलना है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पोन है, सो एक्स्ट्रा पोन एक्स्ट्रा पोन। हाँ नोटिस, सो इनकेस अब पोन जाता है फिर भी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। क्वीन टू बी सी चेक, नाउ सिंपली टेक्स एंड क्वीन कैप्चर। अगर वो नाइट इधर आता है तो मजा आ जाएगा क्योंकि बिशप कैप्चर एंड देन जब पोन कैप्चर देन क्वीन कैप्चर पोन और उसका जो रुक है वो चला जाएगा। सो उसने नहीं किया डेफिनेटली। नाउ दिस मूव, सो आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो भैया? से मैं अगर रुक यहाँ पे खेलता हूँ तो ओके, सो एक चेक आ रहा है, आई थिंक चेक भी नहीं आ रहा है, सो क्वीन टेक्स। हाँ सो ये विनिंग हमारी हो गई पक्की अभी। सो से क्वीन कैप्चर, नाउ अभी थोड़ा सिंपल खेलते हैं क्वीन पुश। मुझे यहाँ पे बस अपना ये विक स्क्वायर है उसी का ध्यान रखना है, अदरवाइज दिस इज विनिंग। और ये अभी काफ़ी अच्छे प्लेयर के साथ विन है, सो विन ये यहाँ पे कुछ करना ही नहीं। क्वीन पुश, क्वीन पुश, सो आई एम थ्रेटनिंग नाउ रुक बी टू। फिर भी रुक बी टू, ना आई गेस ये थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देगा पोजीशन को। दिस टेक्स, ओके गेम ओवर, लास्ट ट्राई उसकी। ओके सो हिज आइडिया इज टू पिन माय नाइट, कोई बात नहीं। पोन पुश और यहाँ पे अभी मेरी नई क्वीन बन रही, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके सो आई थिंक हम जो है फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेंगे अब। क्या 39, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब इतने अच्छे ओपोनेंट को रहा है। सो गेन 2011, सो बेशरक। और ये प्लेयर अभी काफ़ी फास्ट आ गए, अभी एक्चुअली आई एम टू हंग्री टू, क्योंकि यहाँ पे 3 बज चुके हैं और अभी 13 मिनट और है। सो ओके अगेन मोरा गैम्बिट, ये मैंने थोड़ा गलत मुझे लगता है चूज़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं सिंपल खेलता और 10 मिनट निकाल लेता तो शायद ये मेरे लिए अच्छा है था, अच्छा था कैसल। और यहाँ पे अगर आप रेशियो देखें तो मुझसे 2 गेम जो ऑलरेडी विन कर चुका है। सो शत्रु जी 5,
So bishop capture, the knight capture aa jayega, and then pawn e5, then queen capture aa jayega. ये थोड़ा गलता हो गया, सो नाइट टू d4. अब मुझे खेलने का मन हो रहा है विथ एन आइडिया ऑफ नाइट कैप्चर e6, बिशप कैप्चर e6. e4 सो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, एंड देन दिस मूव. एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज देयर आर वेरियस थ्रेट. आई मीन बिशप कैप्चर e7 आ रहा है. सो उसके लिए मुझे क्वीन कैप्चर e7 करना पड़ेगा, राइट. सो यहाँ पे मेरे दिमाग में एक मूव आ रही है, सेफ क्वीन टेक्स नाइट कैप्चर नाइट हियर c6. अच्छा नहीं कर पाया, बिशप कैप्चर e6, पॉन f5. नाइट c6, सो अभी मारना फोर्स है. दो पोन हम डाउन है, सो ये पोजीशन माइनस. सो अभी फर्स्ट पे स्टैंडिंग देख लेते हैं क्या है. ओके 37. इस प्लानिंग अगर मैं क्वीन टेक्स कर लेता हूँ, ओके, मेरा नाइट जो एक्सचेंज होने के चांसेस है, नहीं करना है. चलिए बिशप यहाँ पे. ये पोजीशन, ये गेम जो है ऑलरेडी माइनस हो चुकी है. ये क्या, दिस इज कूल. इस तरह से अगर कोई हेल्प करता है तो डेफिनेटली अच्छा ही है. चलो माइनस में से अभी कुछ राहत मिली है हमें. सो अभी नाइट कहाँ घुस रहा है वो देखना पड़ेगा. नाइट g4, सो रुकिए. हाँ, मुझे किसी भी तरह अपने नाइट की पोजीशन इंप्रूव करनी है. शायद उसने ये गिना कि नहीं गिना. ऑलराइट, सो पॉइंट ये है, टेक्स एंड देन जस्ट विनिंग क्वीन. बट देन दिस मूव यहाँ पे अभी है विनिंग है, या फिर बिशप कैप्चर. चलिए अच्छा हुआ,
वैसे हार रहे थे बट अभी जीत जाएंगे. सो अभी ये सिंपली नाइट टेक्स टेक्स और एक विन चली गई उसकी. यप सो बैक एंड आई विल बी 44. सो एक गेम खेल लेते हैं एंड उसमें अगर ड्रॉ भी करते हैं या स्लोली खेलते हैं 10 मिनट्स निकाल देते हैं देन भी या ये विन हो जाएगी. सो यहाँ पे ऑलमोस्ट लगता है ऐसा कि टूर्नामेंट हम विन करेंगे बट इसका देखना पड़ेगा क्योंकि ये अगर 2 विन करता है तो उसके 10 पॉइंट्स यानी 47 पहुँच जाएंगे और अभी उसका गेम शायद चल ही रहा है बट नहीं अभी उसको 3 पॉइंट ही मिलेंगे. सो वी स्टिल वी नीड जस्ट वन मोर विन टू मेक श्योर के हो जाएगा. और यहाँ पर आप देख रहे हो लास्ट में ही ये प्रॉब्लम होता है. अभी जल्दी ओपन नहीं मिल रहा. ओके मिला. सो 1663. ओके सो ये विन कर ली अगर हमने सो डेफिनेटली टूर्नामेंट चैंपियन. तो पहले राउंड की लॉस के बाद काफ़ी अच्छा हो रहा है. कई केस में मैंने अपने ओपोनेंट को हेल्प की, कई केस में उन्होंने मुझे हेल्प की. सो बट इट्स ओके. स्टॉपिंग सो नाइट c6. एक्चुअली ये काफ़ी अच्छी मूव है पोन h3 वैसे क्योंकि ये बिशप के अगेंस्ट खेल रहा है मेरा ओपोनेंट. ओके सही है. बिशप b5 पोन a6 और क्वीन c7 एनीथिंग. बिशप f4 बिशप d6 बिशप हियर. सो माइट बी इज वेटिंग कि मैं जब बिशप d6 करूँ वो बिशप g5 खेले. यहाँ पे मैं क्वीन c7 नेक्स्ट मूव खेलूँगा. ओके चलिए इतनी दिक्कत नहीं देता है जो डबल पोन है वो क्योंकि उसके पास अभी लाइट स्क्वायर बिशप भी नहीं है. यहीं उसके पास चांस है अगर उसको जो है मेरा पॉन्स डबल करना है अदरवाइज मैं नाइट e4 खेलूंगा. अब नाइट e4 नहीं खेला जा सकता बिकॉज ऑफ बट पोन h6. सो नाउ बिशप h4 देन पोन g5 एंड यहाँ पे एक पोन मिल जाएगा बट वो थोड़ा रिस्की पोन है. सो पर्टिकुलरली f6 जो पोन है वो भी अब काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए क्योंकि उसकी नाइट e5 वगैरह सब आ नहीं सकता. नाउ हाफ ओपन जो रुक फाइल है उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे. किंग को कहाँ रखे वो दिक्कत है. आई केस लॉन्ग कैसल देन वो इजीली पोजीशन को ओपन कर सकता है बट उसमें फिर क्या होगा. से पोन टू स्टेप्स नाइट देखा अच्छी मूव है उसकी. ओके सो ये मूव अभी मुझे काफी जरूरी लग रही है बट उसमें नाइट कैप्चर d6 चेक क्वीन कैप्चर d6 क्वीन b5 चेक जा रहा है. सो अभी कैसल इस साइड ही करना पड़ा क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास. अब मैं डेफिनेटली ये खेल सकता हूँ. ओके 2 मिनट और निकालना है. सो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा टाइम काफ़ी है. सो
ना d4 पोन वीक है, हम जो है अगर h6 पे अटैक आता है, किंग h7 खेलेंगे, क्वीन से अटैक आता है डेफिनेटली, देन जो पोन पुश कर देंगे, सो मेरा किंग वुड बी सेफ। ओके सेम हुआ, नाउ पोन पुश एंड ओके यहाँ पे ब्लैक इज बेटर, बेटर नहीं तो एटलीस्ट इक्वल। ओके 2 मिनट और निकालना है, देन व्हाट इज डूइंग, सो ही इज थ्रेटनिंग पोन, सो ये पोन पुश, सो भाई नाइट नहीं आएगा इधर, मार भी सकते थे शायद हम ये पोन, एनीवेज वो पोन कहीं पे जाने वाला है नहीं। नाउ नेक्स्ट मूव में ये हो सकता है एंड देन विनिंग दिस पोन, सो नाइट f3 एंड रुक d7 और एक रुक, और ये यहाँ पे हम विन के काफ़ी करीब, सिर्फ 1 मिनट की देर है टूर्नामेंट ख़त्म होने में, और आई एम लीडिंग विथ 7 पॉइंट्स, सो डेफिनेटली and now he is trying to mess up the position, so the net capture, look main nahi khelne wala, net takes and now followed by pawn push, knight f3 is not good move because simply knight capture f3 is just sick. इनफैक्ट ये मारना उसके लिए अच्छा भी नहीं है क्योंकि मेरा रुक जो है आप ओपन फाइल पे आ सकता है, सो 7 सेकंड। नाउ मेरा जो ओपन आई मीन मेरा जो कंप्यूटर है वो 40 पॉइंट्स पे पहुंचा है, बट अब उसकी एक और गेम होगी, नहीं उसको अब गेम नहीं मिलेगी, सो दिस इज़ विनिंग फॉर मी, और ये मेरी टूर्नामेंट विन, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आई एम द विनर ऑफ द टूर्नामेंट, बट जो है वो अभी थोड़ी देर बाद भोपू सुनाई देगा जब ये मेरी गेम ख़त्म होगी ना, तब एंड नाउ माई ओपन इट इज़ जस्ट पासिंग टाइम आई गेस, सो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 मिनट बाद जो है वो वैसे अनाउंस हो गए उसने खेल दिया, सो नाउ जस्ट पोन पुश, दिस पोन पुश, एंड नाउ डेफिनेटली मैं ये खेलना चाहता हूँ अगर मुझे अलाउ करता है तो, आई मीन अगर नाइट आता है देन आई कैन सिंपली प्ले दैट मूव और उसके बाद क्वीन जो है पीछे ले जाऊंगा, गेस चेक, बट उसने वो नहीं किया, सो कैन आई प्ले दिस मूव, हाँ बट पहले यहाँ से ये खेल देते हैं, सो नाउ देयर इज नो पिन, उसके बाद हम आराम से इसको मारेंगे या फिर हम आराम से ये खेलेंगे, दैट वाज फोर्स, सो नाउ दिस मूव, नाइट कैप्चर नहीं, वो इतना भी अच्छा नहीं, पहले पॉन पुश अभी नहीं, एक्चुअली पॉन उसका अच्छा है क्योंकि मुझे कोई चेक नहीं आएगा, अब मैं मार दूंगा, ये बहुत परेशान कर रहा है, नाइट कैप्चर से क्वीन इधर तो हो नहीं सकता, सो और कुछ हो नहीं रहा है, सो जस्ट टेक, अदरवाइज ये रुक जो है इधर आ रहा था, ओके
और यहाँ पे मैं क्वीन खेलूँगा इन केस अगर ओपनिंग का कुछ भी बंदोबस्त करता है नाइट को पिन करने का ऑन दिस डायगोनल, जो कि अभी नहीं हो रहा है। चलिए पलिए, पहला ऐसा वीडियो बनाया जिसमें ये ऑल ही रैपिड टूर्नामेंट में खेल रहा था और साथ साथ कमेंट्री देता जा रहा था, एंड कि मैं काफ़ी लकी रहा कि ये टूर्नामेंट जो है विन कर गया। ओके सो दिस मूव सिंपली रुक कैप्चर एंड नाउ दिस आइडिया इज टू प्ले दिस मूव। And then discover attack my higher than this or simple win. So rook g1 is force. नाउ 2 मिनट और। ओके सो रुक वॉज दैट मूव वॉज फोर सो टेक्स क्वीन टेक्स ओनली मूव। नहीं फिर अच्छा है सो क्वीन चेक एंड इफ नाइट चेक उसमें को क्या करेगा किंग हियर दिस इज गुड। Push. So now I'm threatening anything. Okay, अब अगर मैं सेक्वीन हियर खेलता हूँ देन वो मार सकता है देन चेक पीछे जाएगा तो मैं तो यहाँ पे जा सकता है सो बट नहीं पहले ये मूव ना दिस चेक ये विन अभी होनी ही चाहिए क्योंकि अभी क्वीन जाएगी इधर एंड नेक्स्ट मूव में मेट। ओके ये परेशान काफ़ी कर रहा है बट अभी मेट को सेव करना अभी पॉसिबल है। सो अभी पहले नाइट चेक दे देते हैं बट दिस चेक क्वीन बीच में द नाइट चेक और क्वीन मिलेगी वही हुआ सर नाइट चेक वेल प्लेड। लास्ट गेम में गलती काफी कर रहा है। पुश जस्ट पॉन पुश सो नाउ दिस इज विनिंग। एक टेन दोनों पॉन में से एक पे अटैक एंड नाउ विनिंग। ओके सो आई डोंट थिंक सो ही विल मूव। ऑल राइट सो
यहाँ पे अब जाते हैं बैक टू टूर्नामेंट, और थोड़ा भोपू बजना चाहिए। ये बजा, और ये देखिए अभी द सीसी है द फर्स्ट। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, और मुझे आशा है कि मेरा वीडियो जो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और इस टाइम दिस इज़ बिट एंटरटेनिंग, इंस्ट्रक्टिव थोड़ा कम था, बट एनीवेज आई होप यू गाइस रियली एन्जॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।